को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रेस वार्ता की और कहा कि केंद्र सरकार की नीति और नियत दोनों से ही भारतीय आवाम अवगत हो चुकी है। इसी को लेकर हजारीबाग में 20 फरवरी को विशाल ट्रैक्टर रैली और जन समूह उमड़ेगा। इसमें झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह के अलावा कई प्रदेश स्तरीय मंत्री, नेता, विधानसभा प्रभारी शामिल होंगे। गांधी मैदान से शुरू होने वाले ट्रैक्टर रैली में 3000 ट्रैक्टर, 20,000 किसान शामिल होंगे। हजारीबाग में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों पर तोरण द्वार लगाया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि किसान और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही किसानों की हितैषी रही है। कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए डैम बनाए हैं और इंदिरा गांधी ने ऋण माफ किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को केशव महतो कमलेश ने संबोधित किया। मौके पर संजय पासवान, कुमार राजा आदि उपस्थित थे। हजारीबाग से सागर की रिपोर्ट। हजारीबाग ही नहीं, इस तरह का रैली और भी प्रमंडल में होंगे, जिले में होंगे। और कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए लड़ रही है और आगे भी लड़ते रहेगी। ये हजारीबाग अंत नहीं होने वाला, इसके आगे भी और हमें रास्ता दिखना है। अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे संथाल में भी हुआ है। तो इसी तरह हम लोग चरण बाय चरण हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग किसान के साथ हैं। इसी मकसद कितने लोग कितना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कितना ट्रैक्टर यहाँ पे आएगा, कितने लोग आए हैं? तो अभी बोले ना कि 2-3 हज़ार ट्रैक्टर यहाँ पर आने की पूरी संभावना है और कम से कम 20-25 हज़ार 30 हज़ार आदमी यहाँ पर आएंगे। क्या हजारीबाग जो संसदीय क्षेत्र है, जो संसदीय क्षेत्र है हजारीबाग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बादल पत्रलेख जी को यहाँ पे यहाँ से एक जमीन तलाशी जा रही है कि यहाँ पे लगातार उनका आना जाना? देखिए, बादल पत्रलेख जी एक जमीनी नेता है और वो हर जगह जाते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, बगल में चतरा है, कुछ लोग बोलते हैं चतरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी हजारीबाग में घूम रहे हैं तो हजारीबाग मेहनती आदमी है और इसी मकसद से देखिए उनको जिम्मेवारी दी गई है। जहाँ मंत्री रहे हर कोई रहे, कांग्रेस का सिद्धांत है हर कार्यकर्ता को अपना अपना जिम्मेवारी दी जाती है, उसको निभाना आ जाके इसी मकसद से बादल पत्रलेख जी को जिम्मेवारी दी गई है और वो घूम रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जिनका जितना तारीफ करे वो कम है। इस रैली में इसमें और है कि या तो बादल पत्रलेख जी अपनी जमीन यहाँ पे बना रहे हैं या फिर वो अंबा जी के लिए जमीन बना रहे हैं, क्या कहें? क्या फिर से बोलिए? या तो बादल पत्रलेख जी अपने लिए एक जमीन यहाँ बना रहे हैं एमपी के सीट के लिए या फिर वो अंबा जी के लिए कर रहे हैं, क्या कहें? बोले ना, ये पार्टी के लिए जमीन बनाया जा रहा है, पार्टी क्या है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ाई जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी, आपको याद होगा लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, हमें ना, और हम लोग शुरू से ही आज़ादी के बाद से ही किसान और जवानों के साथ हैं और उनके लिए लड़ते हैं और लड़ेंगे। इस रैली में कौन कौन प्रदेश स्तरीय माननीय और प्रदेश के प्रभारी आरपीएन सिंह जी भी आ रहे हैं और हमारे जितने मंत्री, चारों मंत्री हमारे रहे हैं कांग्रेस से जुड़े जितने मंत्री हैं, चारों मंत्री हैं। बादल पत्रलेख जी है, बन्ना गुप्ता जी भी है, आपका आलमगीर आलम जी भी है, रामेश्वर राव जी भी, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के सब लोग यहाँ रहेंगे, किसानों के भी नेता लोग यहाँ पर रहेंगे, देखने को मिलेगा। और एक नया तरह का रैली यहाँ किया जा रहा है, आप देखिएगा 20 तारीख को उसका जवाब आपको सामने आएगा। किसानों के हक की लड़ाई हजारीबाग से शुरू हो रही है? हजारीबाग से शुरू है, पहले 47 में हो चुका है ट्रैक्टर रैली, वहाँ भी हुआ है, ये दूसरा है। और इसी तरह से हम लोग हर पूरे प्रदेश में हम लोग किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे।